हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्योति देसी किचन में। आज मैं गांव के स्टाइल में बहुत ही सिंपल तरीके से पोहा बनाने वाली हूँ। बहुत ही कम सब्जियों के साथ, बहुत ही कम सामान के साथ ये पोहा बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार होता है, क्योंकि गांव में उतनी सब्जियाँ मिलती नहीं है। तो हम लोग सिंपल तरीके से पोहा बना लेते हैं घर पर। सुबह का अच्छा सा नाश्ता भी हो जाता है, कम तेल वाला, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं हो पाता है। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने तेल डाला है, आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। थोड़ी सी मूँगफली डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक पहले भून दिया था, ताकि मूँगफली कच्ची ना लगे। तो मूँगफली भून गई थी, उसके बाद जीरा, हींग और सरसों डाल देंगे। अगर आपको सरसों का टेस्ट पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सबको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक प्याज को अच्छे से भुनेंगे। प्याज को पकाना नहीं है, बस हल्का सा उसका कच्चापन खत्म हो जाए उतना ही करना है। तो हाई फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट तक प्याज को भून दिया है। अब एक आलू को मैंने बारीक काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में, इसको भी डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक प्याज और आलू को भी भून लेंगे, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। जब लगे कि आपको कि आलू और प्याज में पानी नहीं निकल रहा है, तो इसमें छोटे छोटे पीसेस काट के टमाटर के डाल देंगे। कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए और सबको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। और तब तक पोहा ले लिया मैंने, 1 कटोरी पोहा लिया है। ये घर वाला पोहा है, मार्केट वाला नहीं है, इसलिए आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। इसको 1 पानी से धुलेंगे और धुलने के बाद तुरंत कढ़ाई में डालेंगे। अगर हम लोग बाहर रख देंगे पोहा तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो धुलने के बाद तुरंत कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सब्जी और पोहा, सब चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ऊपर से आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, किशमिश, काजू, आपको जिसका भी टेस्ट पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, कम तेल, कम समय, कम टाइम में आपका टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो गया।